हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इतिहास की क्लास को आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता, जो कि हमारे इतिहास की बहुत 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 ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इसके पहले एक इतिहास की वीडियो आ चुकी है जिसमें हम लोग इतिहास के कालक्रम को वर्गीकृत करना सीखे थे कि इतिहास को कैसे क्रमबद्ध किया गया है। तो वो एक इतिहास के सब्जेक्ट की समझ विकसित करने के लिए बहुत ही आवश्यक है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप पहले उसे देख लें। उससे क्या होगा कि आपको इतिहास के बारे में एक अच्छी समझ विकसित हो जाएगी, उसके बाद ही इसको देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ते हैं कि इस सभ्यता की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। हम लोग जानते हैं कि आज इतिहास को तीन भागों में बांटा गया है, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल को हम लोग पिछली वीडियो में पढ़ लिए थे। आज हम लोग आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत, आद्य ऐतिहासिक काल को दो भागों में बांटा जाता है, सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता। तो आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता की क्या क्या विशेषताएं हैं आज हम लोग इस वीडियो में इसको पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता किसके अंतर्गत आती है। तो आद्य ऐतिहासिक सभ्यता है, मतलब आद्य इतिहास के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग पढ़ते हैं। और इस सभ्यता को अन्य किन किन नामों से जानते हैं तो आइए देखते हैं। इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता, हड़प्पा कालीन सभ्यता, ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता कहते हैं। अब कहते क्यों हैं ये देखते हैं। आपने पढ़ा होगा कि मानव द्वारा सबसे पहले प्रयुक्त धातु कौन सा था, तांबा। और सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत बड़े पैमाने पर तांबे का प्रयोग होता था, जिसके कारण हम इसे ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता के भी नाम से जानते हैं। अब हड़प्पा कालीन सभ्यता, इस सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों कहते हैं। इस सभ्यता की जब खोज हुई तो मोस्ट ऑफ प्लेस जो है सिंधु घाटी सभ्यता की, वो सिंधु घाटी के बेसिन में ही अवस्थित है। इस वजह से हम इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। और हड़प्पा कालीन सभ्यता क्यों कहते हैं। सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थल की खोज हुई थी कब, 1921 में। किसने किया था, दयाराम साहनी ने। तो सबसे पहले इस प्लेस की खोज हुई थी, इस वजह से हम इसे हड़प्पा सभ्यता के भी नाम से जानते हैं। कांस्य युगीन सभ्यता हम इसे क्यों कहते हैं। तो तांबा प्लस टीन मिलाकर सिंधु घाटी के जो सभ्यता के लोग थे वो तांबा प्लस टीन मिला के कांसा का प्रयोग करते थे, कांसा का निर्माण करते थे, जिस वजह से हम इसे कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं। तो ये हमारे सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य नाम थे, कांस्ययुगीन सभ्यता, हड़प्पा कालीन सभ्यता और ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता। आई होप आप लोग ये समझ गए। अब देखते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ भी बताया, सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वप्रथम खोज कब हुई थी। तो सर्वप्रथम खोज हुई थी 1921 में, दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक स्थल की खोज हुई। तो हड़प्पा जो था सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल था, इसलिए इसे हम हड़प्पा कालीन सभ्यता भी कहते हैं। और खोज का भी श्रेय, यानी कि पूरे सिंधु घाटी सभ्यता की खोज का श्रेय भी दयाराम साहनी को जाता है और हड़प्पा नामक स्थल की खोज का भी श्रेय दयाराम साहनी को ही जाता है। अब देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के समय, यानी कि काल से बहुत सारे लोगों का अपना अपना अलग अलग मत है, तो उसको एक बार देखते हैं कि किनके अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का क्या काल माना जाता है। तो कार्बन 14 ये सर्वमान है, तो इसको आप लोग को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना है और इसी को ध्यान में रखना है, ऐसे जानकारी के लिए हमको सभी देखना है। तो कार्बन 14 के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का काल क्या है, 2350 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक। फिर जॉन मार्शल, जो कि सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता का खोज किए थे, तो जॉन मार्शल जो है उनके अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का काल 3250 ईसा पूर्व से लेकर के 2750 ईसा पूर्व तक है। अर्नेस्ट मैके, ये भी एक बहुत ही बड़े इतिहासकार हैं, तो अर्नेस्ट मैके के अनुसार सिंधु घाटी की सभ्यता का काल 2800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। डीपी अग्रवाल, ये भी एक भारतीय इतिहासकार हैं, इनके अनुसार 2300 से 1700 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता का काल माना गया है। एनसीईआरटी के अनुसार क्या माना जाता है, 2500 से लेकर के 1800 ईसा पूर्व तक। तो ये हो गया हमारा हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड उसके काल निर्धारण के बारे में कि किसके अनुसार क्या सिंधु घाटी सभ्यता का क्या समय
माना जाता है, दिया जाता है। तो अब देखते हैं, हमको ऐसी जानकारी के लिए आपको सभी ध्यान में रखना है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यही जो काल है, यही जो समय है, सरोमान है सी कार्बन 14, यानी कि सी 14 के अनुसार 2385 ईसा पूर्व से लेकर के 1785 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता का काल माना जाता है। समझ गए हम लोग, यहाँ पे देख लिए सिंधु सभ्यता का अन्य नाम और काल का निर्धारण। अब सिंधु सभ्यता की विशेषताएं देखते हैं। तो सिंधु सभ्यता, जैसा कि हमने बताया, सिंधु घाटी में फैला हुआ यह सभ्यता था, इसलिए हम इसे सिंधु घाटी की सभ्यता भी जानते हैं। कुल कितने दूर में फैला था, कितने वर्ग किलोमीटर में फैला था, कितना इसका क्षेत्रफल था, तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल था। इतने क्षेत्रफल में ही सिंधु घाटी सभ्यता फैला हुआ है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है, इसको हम लोग मैप के माध्यम से समझेंगे कि कैसे है। जीवन जो था, यहाँ के लोगों का जो जीवन था, सिंधु घाटी वासी जो थे वो नगरी जीवन व्यतीत करते थे, नगरीकृत सभ्यता था। और सड़कें, यहाँ की जो सड़क व्यवस्था थी वो पक्की होती थी, ग्रिड पद्धति पे होती थी। और सड़कें जो होती थी, ग्रिड मतलब होता है जालनुमा, मतलब बहुत ही संख्या में सड़कें वहाँ पे पाई गई हैं। एक तरफ बहुत ही चारों तरफ से सड़कों का निर्माण होता था, इसको हम लोग ग्रिड रूप में कहते हैं। और जो सड़कें होती थी एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ठीक है, अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था वो कैसा था, मातृसत्तात्मक समाज था। मातृसत्तात्मक क्यों, हम किस आधार पर कहते हैं, यहाँ सिंधु घाटी की सभ्यता का जो भी पहचान है, जो भी है, वहाँ से प्राप्त अवशेषों के आधार पर ही हम इन सब चीज़ों को समझ पाते हैं, जान पाते हैं। तो वहाँ से मातृसत्तात्मक समाज हम लोग इस आधार पर कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे, वहाँ से बहुत ही स्त्री की बहुत बड़ी संख्या में मृण मूर्तियाँ, यानी कि मिट्टी की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। इसलिए यह अंदाज़ा लगाया जाता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी वो मातृसत्तात्मक थी। अब हम लोग एक नज़र मैप के माध्यम से समझेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था। तो त्रिभुजाकार हम लोग यहाँ पढ़े कि सिंधु घाटी सभ्यता का आकार जो था त्रिभुजाकार था, तो वो कैसे था यहाँ पे देखते हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता किस तरह से फैला हुआ था, चलिए इसके माध्यम से हम लोग समझेंगे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में कैसे कैसे सिंधु घाटी सभ्यता बटा हुआ है। तो ये नॉर्थ के जम्मू कश्मीर में मांडा नामक स्थान है, ये सिंधु घाटी का मतलब उत्तरी बिंदु है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की उत्तरी बिंदु मांडा है, जो कि जम्मू कश्मीर पड़ता है। ये हो गया आपका पूर्वी बिंदु, आलमगीरपुर जो कि यूपी में पड़ता है। ठीक है, और ये हो गया आपका दक्षिणी बिंदु, दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। ये हो गया सुतका गेंडोर जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पड़ता है। ये हमारा हो गया पश्चिमी बिंदु, ये हो गया उत्तरी बिंदु, ये हो गया पूर्वी बिंदु और ये हो गया दक्षिणी बिंदु। अब जब आप इसको मिलाते हैं, देखिए तो इस तरह से हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल फैला हुआ है। ये त्रिभुजाकार सभ्यता है, त्रिभुजाकार क्षेत्रफल में फैला हुआ था, इसलिए इसकी आकृति हम त्रिभुजाकार मानते हैं। उत्तर में विस्तार है मांडा, यहाँ पे पूरा में हो गया आलमगीरपुर, दैमाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है दैमाबाद, और सुतका गेंडोर बलूचिस्तान में पड़ता है, यानी कि पाकिस्तान के क्षेत्र में। ठीक है, तो ये आप लोग उम्मीद करते हैं इसको आप लोग समझ गए होंगे। तो इस तरह से हमारे सिंधु घाटी सभ्यता का फैलाव है। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि इससे और इम्पोर्टेंट क्या फैक्ट्स हैं। तो सबसे पहले वहाँ का कार्य क्या था, सिंधु घाटी सभ्यता का कार्य क्या था, तो प्रमुख कार्य तो कृषि था। और सबसे ज़्यादा मात्रा में वो लोग किस अनाज को उपजाते थे, तो गेहूं को और जौ को। ठीक है, ऐसे मटर सरसों इसका भी उत्पादन वो लोग करते थे, लेकिन बहुतायत मात्रा में करते थे गेहूं और जौ का उत्पादन। और उनका दूसरा जो कार्य था वो पशुपालन था। तो ये हमारे सिंधु घाटी वासी का सबसे प्रमुख कार्य था, कृषि और पशुपालन। कपास उत्पादन में, देखिए
कपास उत्पादन का श्रेय जो है सिंधु घाटी सभ्यता वासी को ही दिया जाता है, क्योंकि कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ था। इस वजह से अब कपास है तो सूती वस्त्र भी होंगे, सूती वस्त्र उद्योग भी होंगे, तो सूती वस्त्र और ऊनी वस्त्र का प्रयोग करते थे सिंधु घाटी के लोग, यानी सूती वस्त्र और ऊनी वस्त्र का पहनते थे और उनका प्रयोग करते थे सिंधु घाटी का सभ्यता में। ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनसे कहीं से भी आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में। मनोरंजन के लिए वो लोग क्या करते थे, पासा खेलते थे, शिकार करते थे और पशु पक्षियों को आपस में लड़ाते थे। ये उनका जो था प्रमुख मनोरंजन कार्य था, वो मनोरंजन के लिए इन कार्यों को करते थे। ठीक है, मिठास के लिए वो लोग शहद का प्रयोग करते थे, सिंधुवासी जो थे मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति प्रचलित थी। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, शव को जलाने का, वहाँ पे शव को जलाने का भी प्रथा था और गाड़ने का भी प्रथा था। मोहनजोदड़ो है जो है वहाँ पे जलाने की प्रथा थी और हड़प्पा जो है वहाँ पे गाड़ने की प्रथा थी। इसके बाद हम लोग चार्ट के माध्यम से पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता के स्थल के बारे में कि क्या क्या विशेषताएँ थी और कब किसको खोजा गया, किन्होंने इसको खोजा। तो जो मोहनजोदड़ो नामक स्थल था वहाँ पे जलाने की प्रथा थी और जो हड़प्पा नामक स्थल था वहाँ पे गाड़ने की प्रथा थी शव को। ठीक है, अब देखते हैं जब हमारे भारत में, यानी कि हमारे भारत के क्षेत्रफल में सिंधु घाटी की सभ्यता थी, उससे उसके समकालीन तीन अन्य सभ्यताएं थी, चीन की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता। ये तीन सभ्यताएं जो थी सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन सभ्यता मानी जाती है। तो जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है वहां से प्राप्त अभिलेखों में सिंधु घाटी सभ्यता से व्यापार करने का उल्लेख मिलता है, यानी कि मेसोपोटामिया के लोग जो थे वो सिंधु घाटी के लोग से व्यापार करते थे, इसका उल्लेख मेसोपोटामिया के अभिलेख में मिलता है। ठीक है, कुबड़ वाला सार जो था वो सिंधु वासियों के लिए अति प्रिय था, अति पूजनीय था। अब देखते हैं हम लोग कि सिंधु घाटी सभ्यता में आयात कहाँ कहाँ से होते थे। जैसा कि हम लोग यहाँ पे पढ़े, ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता क्यों कहते हैं, तांबा सबसे पहले प्रयोग किया जाता था और तांबे में टीन मिला करके कांसे का प्रयोग करते थे वो लोग, कांसे का निर्माण करते थे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि वो लोग आयात कहाँ कहाँ से करते थे इन सब चीज़ों का। तो तांबा का आयात जो करते थे खेतरी, जो कि राजस्थान में है, बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान में है, और ओमान जो एक देश है, वहाँ से वो लोग तांबे का आयात करते थे, तांबे को मंगवाते थे, चांदी को मंगवाते थे अफगानिस्तान से, ईरान से, सोना कर्नाटक, जो कि वर्तमान में भी कोलार नामक स्थान से कर्नाटक से सोना प्राप्त किया जाता है हमारे भारत में, अफगानिस्तान से मंगाते थे और ईरान से सोना का आयात जो वो लोग करते थे। फिर टीन अफगानिस्तान और ईरान से टीन मंगाते थे। गोमत सौराष्ट्र, यानी सौराष्ट्र जो है गुजरात में पड़ता है अभी। ठीक है, तो यहाँ से वो लोग गोमत मंगाते थे। लाजवर्द जो है मेसोपोटामिया से, यहाँ हम लोग पढ़े भी कि मेसोपोटामिया का अभिलेखों में उल्लेख भी है कि सिंधुवासी लोग जो है वो मेसोपोटामिया के सभ्यता से भी व्यापार का उनका संबंध प्राप्त होता है। और लाजवर्द मेसोपोटामिया हम लोग देख लिए। सीसा कहाँ से मंगाते थे, तो ईरान से मंगाते थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स था सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। इसको आप लोग समझ गए कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी। सिंधु घाटी सभ्यता त्रिभुजाकार आकृति है, उसकी क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है और जीवन जो था नगरीकृत था, सड़कें जो थी पक्की की थी। और एक चीज़ जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो घर होते थे वो पक्की ईंटों के बने होते थे और उनके जो दरवाजे होते थे वो मुख्य द्वार की तरफ ना खुलकर गलियारों में खुलते थे। लोथल मात्र एक ऐसा प्लेस है जहाँ की दरवाजे जो है मुख्य सड़क की तरफ खुलते हैं। ठीक है, अब हम लोग ये चीज़ समझ गए। और सिंधु घाटी सभ्यता का समाज मातृ सत्तात्मक था, स्त्री की मृण मूर्तियाँ बहुत संख्या में पाई गई, इसलिए इसे अंदाजा लगाया जाता है कि मातृ सत्तात्मक था। प्रमुख कार्य कृषि एवं पशुपालन था, कपास में वो लोग सर्वप्रथम थे, सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे, मनोरंजन के लिए पासा खेलना, शिकार करना और पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना उनका प्रमुख कार्य था। मिठास के लिए वो लोग शहद का प्रयोग करते थे। पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति प्रचलित था। शव को जलाने और गाड़ने दोनों की प्रथा थी।
तो ये हम लोग समझ गए, यहाँ पे हम लोग देख लिए कि सिंधु सभ्यता में आयात कहाँ कहाँ से वो लोग करते थे, यानी कि उनका व्यापारिक संबंध किस किस देश से था। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट में सिंधु सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल को समझते हैं और उसको हम लोग चार्ट के माध्यम से समझते हैं कि सिंधु सभ्यता का कौन कौन सा महत्वपूर्ण स्थल है और किन्होंने उसका खोज किया, कब किया। तो आइए हम लोग चार्ट के माध्यम से देखते हैं। तो चलिए हम लोग सिंधु सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थलों को चार्ट के माध्यम से समझते हैं कि सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थलें कौन कौन सी थी और उनका खोज कब किया गया, किस नदी के किनारे स्थित है, उनका अवस्थिति कहाँ है और उनकी खोज किसने की और उन जगहों की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़े थे कि सिंधु सभ्यता का सबसे पहला स्थल जो था हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा था, इस वजह से हम लोग उसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो हड़प्पा, हड़प्पा की खोज सबसे पहले 1921 ईस्वी में की थी, किसने की, ये रावी नदी के तट पर स्थित है, पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में है और इसकी खोज 1921 ईस्वी में पहली बार दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है, अब हड़प्पा सब हड़प्पा नामक स्थल की क्या क्या विशेषताएं हैं, वहां से क्या क्या प्रमाण मिलते हैं, आइए उसको देखते हैं। हड़प्पा से स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा वहाँ की प्राप्त मुहरों पर ये चित्र अंकन है, दिखाया गया है। इस वजह से ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि वो लोग पृथ्वी को उर्वरता की देवी समझकर पूजा करते थे। ठीक है, ये हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। मुहड़े, जो वहाँ की मुहड़े होती थी, हड़प्पा की मुहड़े जो थी वहाँ पे एक श्रृंगी पशु का अंकन है सर्वाधिक मुहड़ों पर, स्वास्तिक का चिन्ह का प्रमाण मिलता है हड़प्पा सभ्यता से। तो ये थी हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा और उसकी विशेषताएं। नेक्स्ट प्लेस देखते हैं कौन सा है, तो मोहनजोदड़ो, ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। मोहनजोदड़ो की क्या क्या विशेषताएं, आइए देखते हैं। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में, यानी हड़प्पा के खोज के एक साल बाद 1922 ईस्वी में हुई थी और ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है, पाकिस्तान के लड़काना जिला में स्थित है और इसकी खोज रखालदास बनर्जी ने की थी। अब हड़प्पा की क्या क्या विशेषताएं हैं, आइए यहाँ समझते हैं। पशुपतिनाथ की मूर्ति, हड़प्पा से पशुपतिनाथ की मूर्ति प्राप्त हुई है जिसके चारों ओर चार जानवरों का चित्र अंकित होता है, अंकित था हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा। हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा, ये पशुपतिनाथ के मूर्ति के चारों तरफ इन जानवरों का अंकन था। तो ये है, इसका प्रमाण कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से मिला है। कांसे की नर्तकी की मूर्ति, कांसे, जैसा कि हम लोग पढ़े भी हैं कि तांबा और टीन को मिलाकर कांसे का प्रयोग करते थे, कांसे का बहुत मात्रा में प्रयोग होता था, इसलिए इसको कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं। तो मोहनजोदड़ो से कांसे की नर्तकी मिली है। बड़ा स्नानागार, जो कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा इमारत था। ठीक है, सबसे बड़ा इमारत, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा इमारत था बड़ा स्नानागार, और ये इसका प्रमाण कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से। ये सबसे बड़ा स्थल होता था सिंधु सभ्यता का। आइए नेक्स्ट देखते हैं, कालीबंगा, कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़िया। इसकी खोज कब हुई, तो 1951 ईस्वी में, घग्गर नदी के किनारे स्थित है राजस्थान जिले में, जो कि भारत के राजस्थान जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है कालीबंगा। इसकी खोज अम्लानंद घोष ने की थी और 1951 ईस्वी में इसकी खोज हुई थी। यहाँ से क्या क्या प्रमाण मिले हैं, तो अग्निकुंड का सर्वप्रथम प्रमाण कालीबंगा से मिलता है, जुते हुए खेत का प्रमाण। तो कृषि, हम लोग जानते हैं कि सिंधु सभ्यता के लोगों का प्रमुख कार्य था कृषि, तो जुते हुए खेत का प्रमाण जो मिला है वो कालीबंगा से मिला है। नक्काशीदार ईंटे, सिंधु सभ्यता जो थी वो नगरी सभ्यता थी, वहाँ की जो इमारतें होती थी, घर होते थे, भवनें होती थी, सड़कें होती थी, वो पक्की ईंटों की बनी होती थी। लेकिन कालीबंगा में कैसी ईंटे का प्रमाण मिलता है, तो नक्काशीदार ईंटों पर नक्काशी किया हुआ रहता था, तो इसका प्रमाण कालीबंगा से मिला है। नेक्स्ट देखते हैं चांदहुद्रो, चांदहुद्रो भी सिंधु सभ्यता का बहुत महत्वपूर्ण स्थल है। इसकी खोज 1925 ईस्वी में हुई थी। यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है, नवाब शाह जिले में स्थित है, सिंध प्रांत के नवाब शाह जिले में चांदहुद्रो स्थित है। इसकी खोज किसने की, तो मैके ने, अर्नेस्ट मैके ने इसकी खोज की थी। ठीक है, यहाँ से मनके बनाने के कारखाने, मनके का प्रयोग होता था सिंधु सभ्यता में, तो उस वो मनके बनाने के कारखाने कहाँ से मिले हैं, तो चांदहुद्रो से। नेक्स्ट देखते हैं लोथल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है लोथल,
बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये भारत में स्थित है। इसकी खोज 1954 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1954 ईस्वी में। ध्यान से देखिएगा, अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो यहीं पे आपको याद हो जाएगा, अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोथल की खोज 1954 ईस्वी में हुई थी। और यह भोगवा नदी गुजरात यानी कि भारत में गुजरात राज्य की भोगवा नदी के किनारे लोथल स्थित है। इसकी खोज रघुनाथ राव ने की थी। और यह भारत में हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में से स्थित एकमात्र बंदरगाह है। लोथल की खोज रघुनाथ राव ने की थी। और यह एक भारत में हड़प्पा सभ्यता के भारत में खोजे गए स्थलों में से एकमात्र बंदरगाह है, जहाँ से व्यापारिक मार्ग होते थे, व्यापार किया जाता था। बंदरगाह क्या होता है? जनरली वहाँ से व्यापार किया जाता है। तो ये भारत में खोजा गया एकमात्र बंदरगाह है हड़प्पा सभ्यता से संबंधित। यहाँ से और क्या क्या प्रमाण मिले हैं? मनके बनाने की कारखाने, ठीक है, मनके बनाने की कारखाने लोथल से मिले हैं। अग्निकुंड का प्रमाण कालीबंगा से भी मिला है और लोथल से भी मिला है। अब देखिए ये इम्पोर्टेंट है, चावल का प्रथम साक्ष्य। जब हम लोग जानते हैं कि सिंधु सभ्यता के लोगों का प्रमुख कार्य था कृषि, तो चावल का प्रमुख साक्ष्य, प्रथम बार जो साक्ष्य मिलता है वो कहाँ से मिलता है? तो लोथल से मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं बनावली की खोज 1974 ईस्वी में हुई थी। यह रंगोई नदी हिसार जिला हरियाणा में है, हरियाणा के हिसार जिले में रंगोई नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी, ठीक है, रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी। इसकी क्या विशेषता है? तो यहाँ से मिट्टी के बने हल का प्रमाण मिलता है। कहाँ से? बनावली से। नेक्स्ट समझते हैं रंगपुर की खोज जो हुई थी 1953-54 ईस्वी में हुई थी। यह मादर नदी के किनारे स्थित है काठियावाड़ क्षेत्र में। काठियावाड़ कहाँ पड़ता है? तो भारत के गुजरात राज्य में पड़ता है। तो काठियावाड़ क्षेत्र में मादर नदी के किनारे रंगपुर स्थित है। इसकी खोज रघुनाथ राव ने की थी। और यहाँ से चावल के दाने के प्रमाण मिलते हैं, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं सूर्यकोद्दा की खोज जो हुई थी 1962 ईस्वी में हुई थी। और ये सादी कौर नदी बलूचिस्तान यानी कि ये पश्चिमी स्थल है सूर्यकोद्दा, सिंधु सभ्यता का पश्चिमी स्थल। ये सादी कौर नदी के किनारे स्थित है बलूचिस्तान में। और इसकी खोज जो है चार्ल्स डेज ने की थी। किसने की थी? चार्ल्स डेज ने। यह सिंधु सभ्यता का दूसरा बंदरगाह है। पहला हम लोग यहाँ पे पढ़े लोथल भोगवा नदी के किनारे गुजरात में स्थित है। ये जो सिंधु सभ्यता का पहला बंदरगाह है और भारत में एकमात्र बंदरगाह है, और ये दूसरा बंदरगाह है सूर्यकोद्दा। और यहाँ से एक और प्रमाण मिलते हैं घोड़े के अस्थि पंजर, इसलिए घोड़े के होने का भी प्रमाण मिलता है सिंधु घाटी सभ्यता में। नेक्स्ट समझते हैं धौलावीरा की खोज 1967-68 ईस्वी में हुई थी। धौलावीरा की खोज 1967-68 ईस्वी में हुई थी। ये लूनी नदी के किनारे स्थित है। लूनी नदी कहाँ बहती है? तो कच्छ के रण में जाके विलीन हो जाती है। गुजरात में लूनी नदी निकलती है, बहती है, ठीक है, प्रवाहित होती है। अब देखते हैं इसकी खोज किसने की थी। तो इसकी खोज धौलावीरा नामक स्थल की खोज जेपी जोशी ने की थी। और यह सिंधु सभ्यता का उद्भव और पतन का प्रमाण मिलता है। इस पर ध्यान देंगे आप लोग कि धौलावीरा एक ऐसा है प्लेस जहाँ से सिंधु सभ्यता का उद्भव और पतन दोनों का प्रमाण मिलता है। धौलावीरा में जल संवर्धन की अच्छी व्यवस्था पाई जाती थी वहाँ पे। ये भी इसकी विशेषता है कि यहाँ से जल संवर्धन की अच्छी विशेषता पाई जाती थी। और यहाँ पे और देखिए सिंधु सभ्यता, ये हमारा हो गया, हम पहले समझे कि सिंधु सभ्यता की क्या क्या विशेषताएँ थी, इसमें समझे कि सिंधु सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण स्थलों को देखें, उनकी खोज कब की गई थी, किसने की थी, किस नदी के किनारे स्थित है, उसका अवस्थिति क्या है और उनसे रिलेटेड मुख्य विशेषताएँ क्या है, इतना हम लोग समझ गए। अब सिंधु सभ्यता ये हमारा सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक था। तो ये इस वीडियो में हम लोग सिंधु सभ्यता को अच्छे से समझ गए। और सिंधु सभ्यता का सर्वमान, जो सिंधु सभ्यता के पतन का कारण है वो सर्वमान है। ऐसे तो जैसे सिंधु सभ्यता के काल का निर्माण के बारे में भी बहुत सारे इतिहासकारों द्वारा अलग अलग बताया गया है समय का, तो सिंधु सभ्यता का पतन का भी अलग अलग कारण बताया गया है। लेकिन जो सर्वमान कारण है वो क्या है? ये माना जाता है कि सिंधु सभ्यता का जो पतन है वो बाढ़ के कारण हुआ था। तो ये हमारा था इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर, सिंधु घाटी की सभ्यता प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो कहने की बात नहीं है, समझ में आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।